हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनीबान और मैं लेके आया हूं काली कॉन्शियसनेस का एक छोटा सा वीडियो। तो एक चीज़ मैं आप लोगों के साथ पहले क्लियर कर दे रहा हूं कि ये जो वीडियो है ये उन्हीं लोगों के लिए है जो काली माँ के बारे में बहुत कुछ जानना पसंद करेंगे, जो ऑलरेडी एक स्पिरिचुअल जर्नी में है, जो काली माँ को मानते हैं, जो हर रोज़ काली माँ के साथ ही रहते हैं। और स्पेशली अगर आप ये वीडियो फॉर द फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो डेफिनेटली मैं यही मानूंगा कि काली माँ आपके साथ कुछ कनेक्ट करना चाहते हैं, सो इसीलिए शायद आप ये वीडियो देख रहे हो। तो जो भी चीज़ मैं बोलूँगा वही चीज़ों को आप इंट्यूटिवली ले लीजिएगा। एंड चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, किसी भी कम्युनिटी के अंदर क्यों ना हो, आप ये वीडियो देख सकते हो क्योंकि सोल का कोई जेंडर नहीं होता है, ना ही सोल का कोई धर्म होता है। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। एक चीज़ काली कॉन्शियसनेस में मैं पहले ही बोल दूंगा कि एक चीज़ बहुत कॉमन है, जो लोग काली माँ के पास आते हैं उन लोगों का चाइल्डहुड ट्रॉमा बहुत ज़्यादा रहता है। एक कॉमन फैक्टर मेरा आपका सभी लोग जो काली माँ के साथ कनेक्टेड है वो है माता पिता। ओके, ये एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक है। ये टॉपिक को शायद आप अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं कर सकते हो, या फिर कोई भी अपने हस्बैंड या फिर लवर्स के साथ भी शेयर नहीं कर सकते हो। कौन सा चीज़ है, आपके माता के तरफ से या फिर पिता के तरफ से फुल्ली सपोर्ट आपको नहीं मिला है। इसीलिए क्या होता है, हमेशा बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस सेटिस्फाई करने का बहुत ज़्यादा कोशिश आप किए थे, नाकामयाब रहे हो। लाइफ में सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या रहता है, जब अपने ही लोग आपको सपोर्ट नहीं करते। तो इसीलिए आप देखोगे कि आप जब भरोसा करते हो तब उन लोगों को आप भरोसा नहीं कर पाते हो, क्योंकि आपको हमेशा से ही नो मिला है, नेगेटिव चीज़ें मिला है, या फिर बचपन से ही आपको वो वाला सपोर्ट नहीं मिला है, साइलेंट सपोर्ट बोलो या फिर पॉजिटिव सपोर्ट बोलो, वो अपने माता पिता से। सो पहले ही आपका जो जर्नी है वो लड़खड़ा गया। आपका जब भी कॉन्शियसनेस क्रिएट हुआ, जब भी आपका अवचेतन मन क्रिएट हुआ, तब से आपको पता है कि आपके लाइफ में कोई नहीं है, आप अकेले हो, और तब से आप सरेंडर करना स्टार्ट किए हो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पेरेंट्स खराब है, बट मैं उन्हीं कुछ लोगों के लिए बोल रहा हूँ जिन लोगों को वो सपोर्ट नहीं मिला अपने पेरेंट्स से। तो ऐसा हो सकता है कि आपको काली माँ एक चीज़ बार बार बोल रहे कि आपके सोल इस लाइफ टाइम में आए हैं, इसके पहले भी आपके एक जन्म थे और इस जन्म में हैं आप इस स्टेज पे, तो हो सकते हैं कि आपको अपने पेरेंट्स से वो वाला सपोर्ट नहीं मिला, बट माँ आपके साथ हमेशा है और हमेशा मदद करेंगे। तो जो मान लो एक बहुत टफ बैटल के बाद जब आप डिफीटेड हो गए हो और उस टाइम पे आपको पहला ताना मार रहा है आपके खुद के घर वाले, और उस टाइम पे माँ आते हैं और माँ आपको हक करते हैं और बोलते हैं कि चलो जो हुआ वो हुआ, अभी से एक नया स्टार्टअप करो या फिर नए तरीके से स्टार्ट करो। तो मैं देखता हूँ काली माँ को एज अ मोटिवेशनल स्पीकर, क्योंकि जब आपके एनर्जी एकदम लो हो जाते हैं, जब पूरे तरीके से आप ड्रेन्ड आउट हो जाते हो, जब अपने माता पिता ही आपके ऊपर उस तरीके से भरोसा नहीं करते, तब आते हैं माँ और माँ आपको एक आइडेंटिटी देते हैं। और ये आइडेंटिटी जो माँ देते हैं वो एक ऑनेस्टी के बेस पे देते हैं। आप एक चीज़ कॉमन नोटिस करोगे, आप मैं जो भी काली माँ के साथ रहता हूँ, हम लोग बहुत ऑनेस्टी के साथ चलते हैं, चाहे हम लोगों का मिलियन डॉलर्स ना हो, चाहे हम लोगों का उतना ज़्यादा पैसा ना हो, बट एक चीज़ हम लोगों के अंदर एक कॉमन है, वो है ऑनेस्टी। आपको लोग आँखें बंद करके विश्वास करते हैं, बट आपके माता पिता आपको उस तरीके से विश्वास नहीं करते, आपको लोग आंखें बंद करके ट्रस्ट करते हैं, बट यही वाले चीज़ आपके एक कॉमन प्रॉब्लम हो सकता है। मोर ऑर लेस किसी के लिए सिर्फ माता के तरफ से प्रॉब्लम आ सकते हैं, पापा के तरफ से प्रॉब्लम आ सकते हैं, मोर ऑर लेस ये चाइल्डहुड ट्रॉमा कॉमन है। तो अक्सर माँ उन्हीं लोगों को चूज करते हैं कनेक्ट करने के लिए जो लोग डिप्राइव्ड हुए हैं, जो लोगों को वो ममता नहीं मिला माँ से, वो प्यार नहीं मिला पापा से, उन्हीं लोगों को बहुत अच्छे से प्यार करते हैं माँ। तो चलिए देख लेते हैं कि आज आपके सबकॉन्शियस माइंड एंड कॉन्शियस माइंड में माँ कौन से मैसेजेस दे रहे हैं। लेट्स सी। वाओ, योगा शक्ति माँ है। देखिए आज माँ आपको बोल रहे हैं कि आपको अपना डर से पीछा छुड़ाना है, क्योंकि लाइफ में अकेला रहना, क्या होगा, ये फ्यूचर का डर आपको हमेशा कैद करके रखते हैं, और आपको जो हैरस किया है, आपको जो नीचा दिखाया है, आपको जो नुकसान किया है, वो अभी मजे करे। क्यों? क्योंकि आपके लाइफ में ये ट्रॉमा देके वो लोग बहुत शांत में, अब उनके कर्मा उनको भुगतने दो,
आप क्यों उतना ट्रॉमाटाइज होके बैठे हो? यहाँ पे योगा शक्ति माँ बोल रहे कि जो होगा तो वो होगा, बट आप दूसरों के लिए अपना काम को क्यों बंद कर रहे हो? आप दूसरों के लिए क्यों भटक जा रहे हो? भक्ति क्यों नहीं शो कर पा रहे हो? क्यों आपके मन इतना ज्यादा नेगेटिव एनर्जी के साथ अटैच्ड है? क्यों आपके अंदर जो असुरिक जो तत्व है वो प्रकट क्यों हो रहा है? यानी कि मैं आपको बोल रहे कि डिसिप्लिन क्यों ब्रेक हो रहा है? क्यों आप उस तरीके से भक्ति को शो नहीं कर पा रहे हो? क्यों रेगुलर बेसिक पे आप माँ के साथ नहीं कनेक्ट कर सकते हो? क्यों आप रेगुलरली वो ट्रस्ट को बिल्ड नहीं कर पा रहे हो? क्यों अभी भी आप लॉजिक के पीछे क्यों भाग रहे हो? लॉजिक और आप दोनों अलग हो। आप जो वर्ल्ड पे रहते हो उसका माता पिता है माँ काली, क्योंकि आपको ना प्यार मिला अपने माता पिता से, ना ये समाज से, ना ये देश से। सो बेसिकली आप ऑटोमेटिकली एक डेड बॉडी हो, ये चीज आप मान लो। बट आप हाफ विलिंग और हाफ रिलक्टेंट हो। अभी भी आप लॉजिकली लाइफ को लेके चलना पसंद करते हो। लॉजिकली अगर आप लाइफ को लेके चलना पसंद करेंगे, हमेशा आपको ठुकरा मतलब आप ठोकर ही आपको मिलेगा, क्योंकि आपके लाइफ नॉर्मल लोगों के लाइफ नहीं है। आपकी जिंदगी नॉर्मल लोगों के साथ कि उसका आता पता नहीं है। लोग आपको वियर्ड इसीलिए देखते हैं क्योंकि उन लोगों के फाउंडेशंस और आपके फाउंडेशंस कंप्लीटली डिफरेंट है। लोग शमशान में जाकर डरते हैं, आप शमशान को बहुत अच्छा मानते हो। लोग रात में बहुत मजे करते, बट आपके अंदर में वो दर्द हमेशा थे और रहेंगे, क्योंकि जो दर्द आपको मिला है वो दर्द कोई पर्सन वो सोच भी नहीं सकते। तो आज भी माँ आपको बोल रहे हैं कि देखो, डरते 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 इतना डर रहे हो कि डर डर की पूजा कर रहे हो कि माँ क्या पता शायद कुछ खराब हो जाएगा, क्या पता शायद कुछ खराब हो जाएगा। नहीं, वो खराब नहीं होगा। कार्मिक बैगेज यानी कि काली आपके लाइफ से चीजों को छीनता है। क्यों छीनता है? ताकि आपको मुक्ति मिले, ताकि आपको अपने डर से फ्रीडम मिले। बट हम लोग इतना ज्यादा डरपोक है कि हम लोगों को लगता है कि नहीं, हम लोग जो चीज को पकड़ के रखे वो चीज सही है। नहीं, काली जो चीज को आपको देंगे वही चीज सही है। तो आपका अप्रोच क्या होगा कि ठीक है भाई, ये चीज तो अभी पसंद आ रहा है, क्या पता अगर नहीं भी रहेंगे तो माँ कुछ बंदोबस्त करेंगे। माँ कुछ बंदोबस्त करेंगे, ये वाले ट्रस्ट को वापस लेके आओ। आपको मैं बार बार देख रहा हूँ कि आपका ट्रस्ट लेवल बढ़ रहा है, अचानक फॉल्स। ये फॉल्स एलिगेशंस खुद के ऊपर मत लेके आओ। ये बाहर के दुनिया आपको टेस्ट लेंगे, बाहर के दुनिया आपको नीचा दिखाएंगे, बाहर के दुनिया आपको कमेंट पास करेंगे। आप अपने धर्म के साथ चलो। धर्म क्या है? कोई हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन धर्म नहीं है। धर्म है आपके सोल को जो संस्कार वो लास्ट लाइफ से लेके आ रहे उसी संस्कार को दोहराओ। यानी कि लोगों का सेवा, भगवान की सेवा एंड हैप्पीनेस क्रिएट करना है, लाइक दूसरों के लाइफ में, खुद के लाइफ में। तो एक चीज में कॉमन माँ आपको बोल रहे हैं कि भले आप एफर्ट्स डाल रहे हो और वो एफर्ट्स आप देख नहीं पा रहे हो, क्योंकि बहुत ही लग रहा है कि आप कुछ भी नहीं कर रहे हो। ट्रस्ट करो कि अभी अगर वो एफर्ट शो होगा तो हो सकता है कि जिस टाइम पे आपको उस चीज का जरूरत पड़ सकता है उस टाइम पे आपको ये वाले सपोर्ट नहीं मिलेगा। तो आप जो पुण्य अर्जन कर रहे हो उसको वो ऑटोमेटिकली आपके अंदर जम रहा है। अभी उसके बारे में आप छेड़खानी मत करो। आप सिर्फ अपने कर्मा के ऊपर फोकस करो, अच्छा कर्म करते जाओ। अभी ये बोलना बहुत आसान है, अच्छा कर्म करते जाओ। बहुत मोटिवेशनल स्पीकर ऐसे ही बोलता है, अच्छा कर्म काली डिवोटीज और दूसरों के हिसाब से बहुत आसमान जमीन का फर्क है। क्या काली डिवोटी, क्या अच्छा कर्म मतलब क्या है? काली माँ आपको यही बोलता है कि आपको जब बात आते हैं संस्कार के, तो आपके जो भोग है उसको त्याग करो। ना आपको फास्टिंग करना है, ना आपको कुछ मंगलवार पे ये खाना है, गुरुवार पे ये खाना है, वेडनेसडे पे ये खाना है, ऐसा नहीं। अब अंदर से भोग को त्याग करो और त्याग को अपनाओ। मतलब क्या है कि आप अगर खुद को एक डिसिप्लिन लाइफ के अंदर लेके आ रहे हो, वही काफ़ी है। मतलब अगर मान लो कि आप ओवरथिंक कर रहे हो, बहुत ज्यादा ओवरथिंक करते हो, तो ओवरथिंकिंग को खत्म करना मतलब फास्टिंग करना आपके लिए। बहुत ज्यादा डरते हो, डर को खत्म करना मतलब फास्टिंग करना आपके लिए। बहुत ज्यादा अल्कोहल पीते हो, अल्कोहल को खत्म करना मतलब फास्टिंग करना आपके लिए। स्मोकिंग करते हो, स्मोकिंग खत्म करना मतलब फास्टिंग। बहुत ज्यादा लोगों के साथ बातें करते हो, डिटॉक्स, आज मैं इंस्टाग्राम फेसबुक या फिर सोशल मीडिया नहीं करूंगा, मतलब क्या है? फास्टिंग आपके लिए। ऐसा भी हो सकता है कि मान लो फिजिकल अर्जेस बहुत ज्यादा हो रहा है, बट मैं ये 3 दिन फिजिकली किसी के साथ इन्वॉल्व नहीं होगा, या फिर मेरे हस्बैंड या फिर मेरे वाइफ के साथ भी नहीं होगा। ये होता है त्याग, और धीरे धीरे करके ये त्याग को बिल्ड करना होगा, क्योंकि
ये जो लोभ है ये आपको ललचा रहा है, बाहर की दुनिया आपको बुला रहा है, इस ये जो बुलावा आ रहा है इसके इसको मत सुनो, अंदर सुनो, कान बंद करो और बोलो कि नहीं मेरे को दिखना नहीं है, ये बाहर वाले को दुनिया ये मैजिक है, होक्स है, ये फेक है, अंदर माँ है, माँ को सुनो। अगर माँ आपको एक सिंपल दाल चावल क्या रेसिपी बोल रहे कि ये करके खाओ वही खाओ, वो बाद में जाके आपको पता चलेगा कितना महत्वपूर्ण टाइम रहा। अभी आपको अगर लॉस हो रहा है, कुछ रिजेक्शंस मिल रहा है, ये टेम्पररी है, ट्रस्ट मी ये टेम्पररी प्रोसेस है, इस प्रोसेस को बिलीव करो, एट द एंड माँ आपको सही टाइम पे सही चीज़ दे देंगे। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, ओम क्रीम दक्षिणा काली के नमो। एक चीज़ हमेशा याद रखिए, आपके अंदर काली है और आपके विश्वास का नाम काली है, और जब तक काली माँ रहेंगे तब तक आप सक्सेसफुल रहेंगे, और आप काली माँ के बेटे हो, मैं भी हूँ, आप और मेरे बीच में कोई फर्क नहीं है, आपके अंदर भी वो सुपर पावर है और उसको मैं जागृत करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। दैट्स इट, अपने अंदर को काली माँ को एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो, क्या होगा क्या नहीं होगा ये मत सोचो। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।